हेलो मैनूप सर, आप लोग कैसे हैं? सब लॉकडाउन में ठीक ही होंगे? तो मेरा कहना था कि लॉकडाउन में कुछ हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है जी, 12th क्लास का है आप लोग का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका कुछ टॉपिक धीरे धीरे कुछ टॉपिक का वीडियो बनाकर आप लोग के पास धीरे धीरे करके भेजेंगे, जिससे जिसके पास भी मोबाइल हो या अगल बगल का हेल्प लेकर उसको YouTube में देखकर आप लोग धीरे धीरे उस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेसन का नाम है साझेदार का प्रवेश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये लॉकडाउन के कारण क्लासेस सभी जगह बंद हो गए हैं, और अगर एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ता है, अगर एग्ज़ाम टाइम पर लेता तो या तो सिलेबस छोटा किया जाएगा, अगर सिलेबस छोटा भी किया जाएगा तो ये जो लेसन है एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, ये दो तो रहेगा ही लगभग, जनरली हमको जहाँ तक चांस ही रहना ही चाहिए और रहेगा भी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग को जो ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का है, कुछ टॉपिक जितना आप घर बैठे कर सकते हैं वो करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग टाइम पास भी हो जाएगा लॉकडाउन में, और आप लोग का कुछ सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप लोग कुछ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रेशियो। जब कोई न्यू पार्टनर पुराना पार्टनरशिप में जब एंट्री करता है तो उसमें सबसे पहला मैटर आता है रेशियो का, ठीक है, कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए। अगर दो है तो तीन पार्टनर जब हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले रेशियो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम इसको 2-3-4 टाइप में हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसके बाद कुछ अगर अलग से क्वेश्चन रहेगा वो बाद में बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइप के अनुसार रेशियो को समझने का कोशिश करते हैं, ओके। देखिए, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है रेशियो, ठीक है ना। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है टाइप 1, टाइप 1 कि अगर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया रहे, कि जो न्यू पार्टनर एंट्री कर रहा है उसके बारे में मालूम नहीं हो किससे कितना शेयर लेके अपना प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए इस तरह से रहेगा कि ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1, दे एडमिटेड, ठीक है, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, और 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। हम लोग क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। ए और बी पार्टनर था, 2:1 में डिवाइड कर रहा था, दे एडमिट सी, सी आ रहा है, और कितना के लिए 1/4 लेगा वो प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में 1/4 लेगा, आपको न्यू रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, दो मेथड है, एक ए लेट टोटल प्रॉफिट 1, या तो फिर इसी से हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे इस तरह से। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग करना, सेक्रीफाइस रेशियो भी हटा देते हैं, सिर्फ सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए और बी, मतलब ए कितना दे रहा है और बी, ए कितना के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, नहीं कुछ दिया है तो इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा 2/3, फिर 1/4 का 1/3 ए देगा 2/12, ठीक है। अब न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो
माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है ना, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ए का है कितना, ओल्ड रेशियो देखो, इसी को ओल्ड रेशियो बोलते हैं, 2/3 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12। एलसीएम कितना हो गया, 12। 6/12, ठीक है। बी का 1/3 माइनस 1/12, इसमें भी एलसीएम 12 हो जाएगा, 3/12। अब क्या करना है हम लोग को, न्यू रेशियो हम लोग को इक्वली कर देना है सबको, 9:20:C। ए का कितना है हम लोग का, 6/12, बी का कितना है, 3/12, और सी का कितना है, 1/4। इसको ये इक्वली कर सकते हैं इस तरह से करके, काट दीजिए सब, 3 से कट रहा है ना, ये हम लोग का हो गया न्यू रेशियो। ये 3/3 इसलिए किए, अगर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 12 एलसीएम लेके बराबर कर दिए नीचे में, तब ना रेशियो में आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, इक्वली कर दिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो इसमें क्या है, कैसे जानेंगे कि टाइप 1 में क्वेश्चन है, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया रहेगा, जैसे 1/4 है ना, इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं रहेगा कि कहाँ से हम लोग ये जो सी है जो आ रहा है कि 1/4 किससे ले रहा है, ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, इसमें सेक्रीफाइस का जानकारी नहीं रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये टाइप 1 में क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए टाइप 2, अब इसमें दिया हुआ रहेगा हम लोग का टाइप 2। टाइप 2 में सेक्रीफाइस दिया हुआ रहेगा, जैसे हम इसमें बना देते हैं, कैसे जानेंगे हम, एक अपने से बद लिख देते हैं कि इसमें फॉर्म जैसा रहेगा कुछ, जैसे ए एंड बी वेयर पार्टनर इन द रेशियो टू इज टू वन, दे एडमिटेड, 2:1 या 3:2 ले लेते हैं, एज यू लाइक, एडमिटेड, ठीक है, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर 4/1/6। देखिए यहाँ तक टाइप 1 है, अब यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, विच ही टैक्स 1/24, देखिए यही फॉर्म के बारे में बोल रहे थे, फ्रॉम ए एंड वन बाय कितना हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/8, 24 वन प्लस, हाँ 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है। इसमें देखिए फ्रॉम दिया हुआ रहेगा, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे आंसर, सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे ए और बी का, देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो 1/6 के लिए आ रहा है वो ए सेक्रीफाइस करेगा 1/24, ये फॉर्म दिया हुआ, मतलब ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आराम से 1/6 आ जाएगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्म में डायरेक्ट लिख देना है, बहुत अच्छा ये ट्रिक है, ठीक है, 1/8 डायरेक्ट लिख देना है, डायरेक्ट अब निकालना है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस ए और बी का, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, इसका 2/5 माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना है, ठीक है, सेक्रीफाइस हम लोग का है, ये दे रहा है कितना, 1/24, और ये दे रहा है 1/8,
एलसीएम 124 कितना बार में जाएगा ये 24 ना 72 माइनस 5 थोड़ा हार्ड इसका कैलकुलेशन आ गया है 67 बाय 120 इसका एलसीएम हो जाएगा 40 ठीक है। अब फिर हम लोग इक्वली कर लेंगे रेशियो के लिए एज टू बी एज टू सी ठीक है ना एज टू बी एज टू सी 67 बाय 120 11 बाय 40 और इसका सी का कितना है 1/6 इसमें भी वही काम करेंगे 100 या तो इसमें एलसीएम लेके एक बता देते हैं टोटल एलसीएम हो जाएगा 120 तो ज्यों का त्यों रहेगा तीन बार में और 20 बार में ये हम लोग का न्यू रेशियो हो गया ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था डाइट हम लोग सेक्रीफाइस जो निकाले थे ये वाला सब में कॉमन रहेगा अगर ये चीज़ समझ गए इसके बाद यहाँ से क्या ये तो फिर सेम चलेगा लेकिन मेन हम लोग का यहीं पर है सेक्रीफाइस रेशियो ठीक है जो सेक्रीफाइस है यहीं पर हमको बदलना है तो न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा मतलब सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया रहेगा ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर देना है और अगर फ्रॉम वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग का जितना के न्यू पार्टनर आएगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा किससे कितना ले रहा है डायरेक्ट उतना ही हम लोग को यहाँ लिखना है फिर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू रेशियो फिर लास्ट में नीचे हम लोग को क्या करना है एकदम इक्वल कर देना है ठीक है इसको क्या कर देना है इक्वली कर देना है ठीक है। तो इस दो टाइप का बुक में भी आप लोग का क्वेश्चन होगा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। पहले आज दो टाइप छोड़ देते हैं पहले दो टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा ठीक है। टाइप थ्री इसमें आपको ऑफ रहेगा हम एक ट्रिक लिख दे रहे बहुत अच्छा है 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है ठीक है रेशियो और हम लोग को क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प करेगा। तो मान लीजिए इसमें ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:3 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर 4 दिस इसमें देखिए दिया रहेगा ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर अपना शेयर का 1/3 देगा एंड बी सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इसमें नया पार्टनर का नहीं भी दिया रह सकता है कैलकुलेटेड न्यू रेशियो ठीक है। ये भी पार्टनर है 2:3 में डिवाइड कर रहा है दे एडमिटेड सी आ रहा है ठीक है सी कितना के लिए आ रहा है सी आ रहा है इसलिए ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 आपको क्या निकालना है न्यू रेशियो। तो देखिए इसमें भी वही बात है सबसे पहले सेक्रीफाइस ए कितना दे रहा है ए यहाँ देखिए 1/3 दे रहा है किसका तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर कितना है 2/15 बी कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है कितना का अपना शेयर का था 3/5 ठीक है। अब क्या है हम लोग के पास इसको तो क्या करते हैं अब सी का इसमें नहीं दिया था सी का अलग से निकाल लेंगे जितना ये दोनों दे रहा है उतना उसको मिल रहा होगा इसमें सी का नहीं दिया हुआ है तो जितना जितना इन लोग देगा उतना सी को मिलेगा ठीक
ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ए और बी। ए का पहले कितना था 2/5 और बी का था 3/5 माइनस माइनस, ये दे रहा है 2/15 और ये कितना दे रहा है 3/10, एलसीएम हो जाएगा 15 2। अब तीनों इक्वली कर दीजिए नीचे, तो इसका हम लोग का आ गया न्यू रेशियो इसका 4/15, 3/10 और इसी का 13/30, एलसीएम लीजिए 30 हम लोग का न्यू रेशियो निकल गया। तो इसमें क्या है हम लोग का ऑफ, इसमें ए सेक्रीफाइस, ए गिवन, ए सरेंडर, इतना वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ रह सकता है। सेक्रीफाइस ए सरेंडर कर रहा है, ए गिवन कर रहा है, ठीक है, या सी एक्वायर कर रहा है, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कि नहीं ऑफ वाला क्वेश्चन है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। फॉर्मूला रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो में ही इसको बांट देंगे जितना न्यू पार्टनर लेके आएगा। तो अभी तक हम लोग तीन टाइप पढ़े, एक है टाइप 4, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में क्या रहेगा, पर्सनली कोई पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना शेयर देगा। जैसे मान लीजिए ए और बी है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सी आ रहा है, न्यू पार्टनर 4/1/3 शेयर या इसको लिख देते हैं 1/8 विच ही टैक्स फ्रॉम ए, कैलकुलेट न्यू रेशियो, मतलब ए से टोटल ले रहा है, ठीक है। तो ए वाला कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए डायरेक्ट सेक्रीफाइस जैसे लिखते थे, ए दे रहा 1/8, बी कुछ नहीं दे रहा 0, ठीक है। ए दे रहा 1/8, बी कुछ नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है 0, क्यों, क्योंकि टोटल का टोटल ए से ले रहा है। तो फिर उसी तरह निकालेंगे न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस ए बी। ए का है 2/3 जिसमें से ही 1/8 दे देगा 24, बी का कितना था 1/3, 1/3 रहेगा इसका, ए टू बी टू सी कर दीजिए 13/24, 1/3, एलसीएम ले लीजिए 3। देखिए मेरा जो बताने का जो मेहनत, तो कब सफल होगा आप लोग का, जब आप लोग खुद से, मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा आप लोग के लिए लॉकडाउन में, जब आप लोग खुद उस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से। आज जहाँ दिक्कत होगा, ठीक है, फिर बाद में बताया जाएगा जैसा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग बैठे हुए हैं घर में, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा अपने से भी और थोड़ा एग्जाम्पल का भी हेल्प लीजिएगा।